सुदामा जी बहुत दिन तक रुके, भगवान से मिले। सुदामा ने क्या दिया? चावल। जो आपके पास है वो आप दीजिए। सुदामा ने अन्न दान दिया, हाँ या ना? जैसे सुदामा ने अन्न दान करके धन धान्य पाया, ऐसे आप भी अन्न दान करके, हजारों संत जो गौरी गोपाल आश्रम में प्रसाद पाते हैं, आप भी अन्न दान की सेवा से जुड़कर धन धान्य पा सकते हैं। अन्न दान सबसे श्रेष्ठ दान है, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, अन्न की सेवा, कोई भी संत आता है सबको पेट भर भोजन। ये सेवाएं आपके लिए हैं कि आप इन सेवाओं से जुड़कर अपने धन की शुद्धि कर सकें। ये धन की शुद्धि के लिए सेवाएं चलती हैं। हमारी रोटी, हमारी कमाई की रोटी कोई संत ग्रहण करे तो ये संत कृपा करके ग्रहण कर रहे हैं। भिक्षा देने वाला बड़ा होता है कि भिक्षा लेने वाला? देने वाला देने को तैयार है पर लेने वाला ले ही ना। तो संत यदि आपके घर भिक्षा मांगते हैं, आपसे कोई मांगता है, तो ये भी खुश नसीबी है कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम देने वाले हैं। तो देने लायक यदि हो तो ये खुश नसीबी है कि आपकी रोटी, आपकी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा से जुड़कर पवित्र हो रहा है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्य क्षेत्र की सेवाएं चलती हैं, आप भी अपने आप को जोड़कर इस सेवा से अपने धन को पवित्र कीजिए। अन्नदान, बेटी का जन्मदिन, बेटे का जन्मदिन आए, सेवा करो। गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है यहां, कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी इस रसोई से अपने आप को जोड़कर एक दिन की सेवा आप भी लेकर पुण्य के भागीदार बनिए। जिस लायक है, एक मैया एक नमक की, एक मैया 10 रुपए लेकर आई, बोली महाराज जी 10 रुपए में सबको भोजन कराना है, हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा। मैंने 10 रुपए का नमक बुलवाकर दाल सब्जी में डाल दिया, लो मैया तुम्हारा भोग सब तक पहुंच गया। सबने भोग लगाया आपके उस अन्न का, उस धन का, 10 रुपए से नमक, और सब लोग ने चखा उसका स्वाद। तो देने का भाव बड़ा होता है, रुपया बड़ा नहीं होता। आप जिस लायक हैं वो तो ईश्वर ने आपको बनाया ही है। आप एक दिन की सेवा चाहें, एक व्यक्ति की सेवा चाहें, अन्य सेवा करके अपने धन को पवित्र करने लायक हैं तो कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। प्रिय भक्तों, यहां पर गौ माता की सेवा, आप 1 गज 2 गज भूमि देकर सेवा से जुड़ सकते हैं। गायों के लिए चारा, खली, चोकर, कुछ भी गौ दान करके, गौ सेवा करके, गौ भूमि दान करके, गायों के रहने के लिए भूमि दान, चारा बोने के लिए भूमि दान कर सकते हैं आप। साथ ही यहां हमारी माताएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं के अपने बच्चों ने सेवा नहीं की, उनको सम्मान नहीं दिया, ऐसी वृद्ध माँ यहां रहती हैं। आप इन वृद्ध माओं का सहारा बनकर इन माओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। जो माएं अपनों की सताई ठुकराई हैं, वो माँ यहां रहती हैं और आप इन माओं का दर्शन करते हैं। 273 माताएं यहां रहती हैं, जिन माओं का कोई सहारा नहीं, उन माओं का आप सहारा बन सकते हैं। इन माओं के लिए आश्रम बन रहा है, इस आश्रम में आप एक कमरे का सहयोग दे सकते हैं, अपनी ओर से कमरे की छत डलवा सकते हैं, या एक मां को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर